आज की हमारी वीडियो है अबाउट कि सफारी का EGR एग्जॉस्ट रीसर्कुलेशन वैल्व कैसे क्लीन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा एंड लोकेशन है EGR वैल्व की, ये रहा, ये है आपका EGR वैल्व। इसके अंदर लगते हैं चार बोल्ट्स, एक उसके नीचे दूसरा वो, और ऐसे ही आपके दो इस तरफ हैं। तो माय एडवाइस है कि एग्जॉस्ट का पार्ट आता है ये, तो आपको चारों के चारों बोल्ट्स पे अगर आप पहले कोई रिलीज एजेंट डाल के छोड़ दें जिससे 10-15 मिनट पहले इससे आपका खुलने में इजी हो जाए। तो मेरे पास एक स्प्रे है जो यूजुअली चेन लूप यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। कुछ ऐसा सा चेन लूप यूज़ हो जाता है पेनिट्रेशन फ्लूइड की तरह, थोड़ा सा डाल दें। ऐसे ही चारों बोल्ट्स को पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दें, फिर उसे आराम से खोल लेंगे। बाकी EGR के लिए चाहिए हमें वेरी बेसिक टूल्स, जैसे ये वाले ऊपर वाले जो आपके बोल्ट हैं ये खुलेंगे आपके 10 नंबर से, तो कोई भी 10 नंबर का टूल यूज़ हो जाएगा। आप स्पैनर मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि स्पैनर एक साइड से ओपन होता है तो चांसेस हैं कि शायद बोल्ट ख़राब हो जाए। सॉकेट कोई भी हो वो यूज़ हो जाएगा। तो मैं आपको खोलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ। अब जैसे मैं ये दोनों साइड के बोल्ट्स खोल चुका हूँ, EGR ऊपर से हिलना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद हमें ये क्लिप लेना है, पीछे करना है, इस पाइप को खींच लेना है बाहर। EGR डिस्कनेक्ट हो गया है आपका जो वैक्यूम से ऑपरेट होता है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमें नीचे वाले दो बोल्ट्स खोलने हैं, तो उसको भी खोलते हैं फिर पूरा खोल के दिखाते हैं। थोड़े टाइट हैं ये ज़्यादा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने चोट ना लगवाएं, बाकी खुल जाएंगे थोड़े से एफर्ट डालने के बाद। अब हमने जो दो बोल्ट ऊपर के खोले थे वो थे 10 नंबर के, और जो नीचे वाले दो हैं वो हैं 12 नंबर के। तो जैसे हम ये दो 10 नंबर के खोल चुके हैं, दोनों बोल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था तो इसलिए बहुत टाइट खुले हैं। बिल्कुल लास्ट एंड तक भी इन्हें स्पैनर रैचेट के थ्रू घुमाना पड़ा है जब जाके खुले हैं, तो होपफुली नीचे वाले भी ऐसे ही होंगे। अभी जैसे इन नीचे वाले दो बोल्ट्स को खोलने के लिए बिल्कुल भी टूल्स लाने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने जो पावर स्टीयरिंग का रिजर्वायर है उसको थोड़ा मोबिलिटी के लिए खोल दिया है। इसके लिए सिर्फ दो बोल्ट्स थे, 10 नंबर के दो बोल्ट्स यहाँ पे लगे हुए थे, तो इसको हटा के हम साइड कर सकते हैं उसके बाद, तो हमारे पास थोड़ी जगह बन जाएगी जिससे हम वो बोल्ट्स खोल पाएंगे। दिस थिंग इज़ अ पेन इन एज फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बोल्ट खुल जाए, तीन खुल चुके हैं। जो चौथे वाला है वो पीछे वाली साइड है और उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो रैचेट्स नहीं लग रही हैं, यूनिवर्सल जॉइंट नहीं लग रहा है, तो अभी इसी की कोशिश हो रही है, देखते हैं कैसे खुलेगा। प्लस जैसे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि मैंने अपनी गाड़ी का EGR ब्लैंक कर रखा है, तो मेरे वाले EGR में वैसे भी कार्बन डिपॉजिट इतना नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैंक चलता है, बट स्टिल मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये खुल जाए और अब मैं आपको दिखा सकूँ कि क्लीनिंग कैसे होती है। आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 आवर ऑन जस्ट वन बोल्ट जो नहीं खुल रहा है, हाँ, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर स्टिल कोई खुद करना चाहता है और उससे चारों बोल्ट खुल जाते हैं, तो आपको इसको खोल के इसके होल्स में सिर्फ कोई थ्रॉटल बॉडी क्लीनर या फिर पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद उसे वापस लगाना है। तो एज सच इसमें क्लीन करने वाला कुछ नहीं होता, पर जो उसका सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है इसे खोलना।